हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं अंजलि, ब्लॉगर जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूं आलू के सैंडविच की रेसिपी। और यहां पे मैंने 3 से 4 आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है पोटैटो मैशर से, और 2 बड़ी बड़ी प्याज को इस तरीके से चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, चाहें तो आप चॉपर से भी कर सकते हो। और थोड़ा सा मोटा रखेंगे, क्रंची क्रंची टेस्ट आता है तो बढ़िया लगती है प्याज। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च। तो यहाँ 3-4 हरी मिर्च को इस तरीके से चॉप कर दीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। और बस यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डालूँगी इसके अंदर, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका बिल्कुल एकदम से डो जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा खिला खिला आलू रहेगा ना, थोड़ा मोटा थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। बस ब्रेड ले लीजिए, यहाँ पे आटा ब्रेड ले लिया है, और इसको अच्छे से इसमें जो है फिल कर देंगे इस तरीके से। देखिए जितना मर्जी आप इसमें फिल कर सकते हो, 3 से 4 चम्मच आराम से इसमें फिल हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कितने आलू इसके अंदर अच्छे से ऐड करके खाने हैं। बस एक ये ले लिया है सैंडविच मेकर, इसके अंदर हम ये रखेंगे 2 ब्रेड वाला ये जो हमने सैंडविच तैयार किया था। बस इसके ऊपर दोनों तरफ से हमने लगा लेना है देसी घी। बटर भी लगा सकते हैं, रिफाइंड भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैं लगा रही हूँ देसी घी, और इस तरीके से 1-1 चम्मच दोनों तरफ लगा देंगे, छोटी वाली चम्मच, और बाकी इसे इस तरीके से टर्न करके दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब हम इसे बस कुक करना है लो फ्लेम पर हम इसे गैस पर कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, क्रिस्पी है, करारे हैं, छोटी मोटी भूख के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। या आप बच्चे तो बहुत ही प्यार से खाते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो आप चाहें तो इस बैटर के अंदर ये जो आलू का मटेरियल है इसके अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल बेसिक सैंडविच मैंने बनाया है, देखिए ना भूनना है, ना तलना है, ना कुछ करना है, और बहुत ही यमी टेस्टी बनते हैं। जब ये आधा आधा कुक हो जाएगा ना, ऐसे लो फ्लेम पर मैंने इसे रख के किया है, तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच देसी घी और लगा देंगे, देखिए 2 टीस्पून है इस तरीके से। इससे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और ज़्यादा करारा हो जाएगा बढ़िया करके, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आप बटर भी ऐड कर सकते हो। तो बस ये बस बढ़िया से ये दोनों तरफ से हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का सेक लेंगे, देखिए इस तरीके से। हो गया है हमारा सैंडविच तैयार, इसे इंजॉय कीजिए चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे भी आपको खाना हो वैसे खाइए, इंजॉय कीजिए किसी भी मौसम में, बारिश में, या फिर आप इसे स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत आसान है, और बिल्कुल घर में की चीज़ों से ही आराम से बन जाती है। तो बस इसे इंजॉय कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।